एर्दोगान ऑलमोस्ट जीत चुका है, 98% वोटिंग की काउंटिंग हो चुकी है और 52 से ज़्यादा वो लीड करके चल रहा है, तो अब कोई चांस नहीं है कि अपोजिशन वाला जीत पाए। अब हम जा रहे हैं उसके घर पर, वहाँ पर ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये देखें सेलिब्रेशन के लिए भाईजान पूरा सेट वेट उठा के चल रहे हैं। ये जो पुलिस वाले कहां पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल छत पर। हम उसके घर के सामने हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबकी चेकिंग कर रहे हैं, बस जो भी मिल रहा है उनकी चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसका घर भी यहां पर है और वो कुछ ही देर में यहां पे आने वाला है। पब्लिक पूरी जमी हुई है क्योंकि एर्दोगान को एक जबरदस्त जीत यहां पर मिली है। Gerekirse ilan edin, davet edin, hemen şimdi veriyoruz. एर्दोगान की जो विनिंग स्पीच है वो भी हमने सुन ली है और अभी हम वापस जा रहे हैं। सब कुछ जाम कर रखा है, ज़बरदस्त तरीके से सिक्योरिटी का निज़ाम है और एक बार फिर से पांचवी बार एर्दोगान की सरकार। फरमान साहब क्या कहेंगे, फाइनली एर्दोगान वन द इलेक्शन 2023। अब हम जा रहे हैं किलिचदारोग्लू के यहाँ पे और थोड़ा शोक जताने के लिए, अपने कंडोलेंसेस देने के लिए उसे कि जो हुआ अच्छे के लिए होता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह सब बेहतरी।